अंबानी अडानी सबको कमाई के मामले में पीछे छोड़ देंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। आर्यन खान के बिजनेस माइंड को देखकर दंग रह गए अंबानी अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन भी। जहां दूसरे बिजनेसमैन शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए देते हैं, तो बेटे आर्यन खान ने पापा शाहरुख को फ्री में बनाया अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर और बचा लिए करोड़ों रुपए। एक ही दिन में आर्यन खान की कंपनी ने कमा लिए करोड़ों रुपए। इतनी कम उम्र में इतना खतरनाक बिजनेस आइडिया कि शाहरुख खान के बेटे का दुनिया ने माना लोहा। किंग खान शाहरुख खान ने साल 2023 की शुरुआत बड़े ही धमाकेदार अंदाज में मारा था। किंग खान के फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। पठान के बाद जवान फिल्म ने तो बॉलीवुड में इतिहास रच दिया था। बॉलीवुड इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म जवान बन गई है। पठान और जवान दोनों फिल्मों ने शाहरुख खान को मालामाल कर दिया था, तो वहीं बेटे आर्यन खान भी अपने पिता से कैसे पीछे रहते हैं। आर्यन खान ने ऐसा बिजनेस आइडिया निकाला कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैरान रह गए हैं। आर्यन खान की कंपनी ने लॉन्च होते ही कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि आर्यन खान ने कौन सा बिजनेस आइडिया लगाया है। उससे पहले शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे आर्यन खान ने इतनी छोटी सी उम्र में ये सब करके दिखाया है। बेटे की तरक्की में शाहरुख खान का कितना बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें, शाहरुख खान के फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि इस साल का अंत भी इतना ही धमाकेदार हो सकता है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी सुपर डुपर हिट रहेगी और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगी। राजू हिरानी की डायरेक्शन वाली फिल्म डंकी का सुपर हिट होना तय माना जा रहा है। डंकी में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, बमन ईरानी, विक्की कौशल भी नजर आने वाले हैं। डंकी 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अगर डंकी भी सुपर हिट रही तो एक साल में 3 हिट फिल्म देने वाले शाहरुख खान बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन जाएंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी साल अपने क्लॉथिंग ब्रांड डीवाईलॉक्स लॉन्च किया था। कपड़ों की कीमत इतनी ज्यादा थी कि एक आम इंसान के बजट के बाहर था। लोगों का कहना था कि आखिर इन कपड़ों में ऐसा क्या है जो कीमत इतनी ज्यादा है। वहीं लॉन्च के 24 घंटे के अंदर ही पूरा कलेक्शन सोल्ड आउट हो गया था। आर्यन के ब्रांड में जैकेट की कीमत 2 लाख रुपए थी, वहीं एक टी शर्ट की कीमत 24,000 रुपए थी। वहीं अब शाहरुख खान जहां भी दिख रहे हैं अपने बेटे के कंपनी का ही कपड़ा पहन रहे हैं, जिससे आर्यन खान के ब्रांड के कपड़ों की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अब आर्यन खान एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें कई सारे बॉलीवुड के एक्टर ने काम किया है। आर्यन की ये वेब सीरीज अभी बनकर भी तैयार नहीं हुई है और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी ने 200 करोड़ रुपए में आर्यन की वेब सीरीज को खरीदने के लिए तैयार हो गई है। फिर भी आर्यन खान ने 200 करोड़ रुपए में भी अपनी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स को नहीं बेचा और 200 करोड़ रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया।